नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर उज्जैन से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन इंदौर 6 लेन हाईवे का भूमि पूजन कर स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार 19 सितंबर को उज्जैन में स्वच्छता मित्रों के सम्मान समारोह में शिरकत कर सफाई मित्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने उज्जैन इंदौर 6 लेन हाईवे का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी उज्जैन यात्रा के दौरान यहाँ की सांस्कृतिक और सभ्यता की परंपरा की सराहना भी की। उन्होंने उज्जैन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बताते हुए स्वच्छता अभियान को सराहा। देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत और अंत जय महाकाल के जय घोष के साथ किया। उज्जैन में होटल रुद्राक्ष में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में उन्होंने 5 सफाई मित्रों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इससे पहले महाकाल मंदिर में पंचामृत अभिषेक पूजन कर महाकाल लोक का अवलोकन किया। मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की भावना को मजबूत किया। साथ ही उन्होंने मंदिर में 28 मिनट बिताए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों को रिसाइकल कर बनाई जाने वाली पूजन सामग्री की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। कंपनी के प्रतिनिधि दीपाली अरोरा से बात कर फूलों की रिसाइकलिंग और वेतन के बारे में जानकारी ली। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने 1692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उज्जैन इंदौर 6 लेन हाईवे का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 55 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो वर्तमान में 60 से 70 मिनट लगने वाले सफर को घटाकर 35 से 40 मिनट कर देगी। इस हाईवे में 3 फ्लाईओवर और 6 अंडरपास बनाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उज्जैन इंदौर 6 लेन हाईवे की महत्वता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, यह हाईवे न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के पर्यटन, सामाजिक और धार्मिक विकास को भी गति देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की स्वच्छता उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य ने स्वच्छ भारत अभियान में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इंदौर ने 7 बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है और भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार मिला है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रशंसा पड़ी थी। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस परियोजना के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आ रहा है कि उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं जैसे देवताओं में अलग-अलग भूमि है, उसी तरह मनुष्य लोक में उज्जैन किसी भी शब्दों का लगातार दो बार प्रयोग करने से बचने के बचते थे, लेकिन उज्जैन का वर्णन करते समय वो विशाल विशाल का प्रयोग किए। देवियों सुनो, मुझे ये बात पसंद आ रही थी। उज्जैन में आधुनिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विक्रम उद्योगपुर का विकास इसका उदाहरण है। इस उद्योगपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की गई। राज्य में अनेक एक्सप्रेस वे तथा एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम चल रहा है। रेलवे और एयर कंपनी को विकसित किया जा रहा है।
उज्जैन से सीनियर संवाददाता विजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर है आपके साथ, आपके हाथ।